नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, स्वागत है आप सभी का आपके अपने सक्सेस टू यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज पार्ट नंबर है 11th। आज किस वीडियो में हम बात करेंगे बीए हिंदी मॉडल पेपर के बारे में। आज किस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं वो बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों ईयर के छात्रों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। आप इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी के छात्र हो, सारी जानकारी आपको इस वीडियो मिलेंगी और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस यानी कई सालों में लगातार जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो कि आपके आने वाले 2021 एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से समझिएगा, एक एक क्वेश्चन और आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ध्यान से एक क्वेश्चन समझिएगा और वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को जरूरी इन्फॉर्मेशन और जरूरी बातें बताने वाला हूं, तो सभी छात्र जरूर देखेंगे, आप चाहे बीए के स्टूडेंट हो, चाहे बीकॉम, चाहे बीएससी। ठीक है, तो पहले जो क्वेश्चन है आज की इस वीडियो में वो है कि रहीम दास जी का जो जन्म है किस स्थान पर हुआ था। आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन होने वाले वो रहीम दास जी से रिलेटेड होने वाले हैं। आप सभी को मालूम है कि रहीम दास जी से रिलेटेड कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन रहीम दास जी से रिलेटेड कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो चाहे ऑब्जेक्टिव बेस पे हो, चाहे सब्जेक्टिव बेस पे हो, किसी भी किसी भी आधार पे रहीम दास जी से रिलेटेड क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो अगर आप ये वीडियो पूरे देखते हैं तो आई होप मैं ये कह सकता हूँ कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो में जो बताने वाला हूँ वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप सभी को मालूम है कि जो बीए के फर्स्ट ईयर के छात्र हैं उनके जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो ऑब्जेक्टिव बेस पे ही होने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव बेस पे ही एग्जाम होगा, यानी कि एक क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, उनमें जो राइट आंसर रहेगा उसे ओमार सीट पे एग्जाम होगा, वहाँ पर आप लोगों को गोला बनाना होगा, ठीक है, हाईलाइट करना होगा। तो इसी तरह के फर्स्ट ईयर में 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब अलग अलग यूनिवर्सिटी हो सकता है, कहीं पर 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर हो, कहीं पर 100 नंबर का हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, थोड़ी चेंजेस हो सकती हैं, लेकिन सभी में रहीम दास जी रिलेटेड क्वेश्चन आना ही आना है, क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें रहीम दास जी आते ही आते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फिलहाल लाहौर। हम बिना देरी के आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि रहीम दास जी का जन्म लाहौर में हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर ने किस कवि को प्रधान सेनापति पद पर नियुक्त किया। ऑप्शन एक है कुमार, भूषण, केशव, रहीम। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन उन्हीं से रिलेटेड हैं, ध्यान दीजिएगा एक क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, रहीम। ठीक है, अकबर ने किस कवि को प्रधान सेनापति पर नियुक्त किया था, उनका नाम है रहीम जी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रहीम दास जी की माता का क्या नाम था। नंबर एक हुलसी, सुल्तान बेगम, सी नंबर प्रेमा, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो रहीम दास जी की जो माता जी थी उनका नाम था सुल्तान बेगम, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे आप उसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भैरव के अब तक कितने छंद मिले हैं। जो छात्र रेगुलर यानी कि क्लासेस किए हुए हैं, ठीक है, या फिर उन्होंने बुक खरीद रखी है, जिन्होंने इनके प्रीवियस यानी कि 11th या 12th में इन सभी के बारे में पढ़ा है या फिर बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ा, उनको तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि भैरव क्या है, या फिर तुलसीदास जिसे रहीम दास जिसे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको इसमें मिल रहे हैं उनको आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा अगर आपने पिछले सालों में अगर इनके बारे में पढ़ा है तो। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भैरव के अब तक कितने छंद मिले हैं, तो उसकी जो संख्या है बिना देरी के हम बता देते हैं, 105 है, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। लिखा है कि रहीम ने अपनी नीत परक रचना ज़्यादातर कौन से छंद में की है। नंबर एक भैरव में, सोरठा में, चौपाई में, दोहा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रहीम दीजिए अपनी नीत परक की जो ज़्यादातर जो रचना है वो दोहा छंद में की है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रहीम दास जी की सूक्तियों पर किसका प्रभाव परिलक्षित होता है। नंबर एक कबीर का, बी नंबर खुसरो का, सी नंबर देव का, डी नंबर जायसी का। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कबीर का। ठीक है, रहीम दास जी की जो सूक्तियों पर सबसे ज़्यादा परिलक्षित प्रभाव पड़ता है वो कबीर दास जी का होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है कि रहीम दास जी की कृति श्रृंगार सोरठा में अब तक कितने छंद मिले हैं। ऑप्शन आपको मिल जा रहे हैं 8, 6, 12 और 4। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 6, यानी कि बी नंबर। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रहीम के पिता का क्या नाम था। नंबर एक है अकबर, बीरबल, शाहजहां, बैरम था। क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को आई होप मालूम ही होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ
कि जो रहीम दास जी के जो पिता के जी का नाम था वो था बैरम खां, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लिखा है कि निम्न में रहीम किसके उपासक थे? ऑप्शन मिल जाएंगे कृष्ण जी के, राम जी के, बुद्ध के, इनमें से सभी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो रहीम दास जी थे वो श्री कृष्ण जी के उपासक थे, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ओके, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको लगे कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित में से अकबर का दरबारी कवि कौन था? नंबर एक है देव, नंददास, रहीमदास, खुसरो। तो यहाँ पर मैं पार्टिकुलर एक ही लेखक या कवि के बारे में बात कर रहा हूँ जिनका नाम है आज की इस वीडियो में रहीमदास जी। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड आपको जो क्वेश्चन इसमें देखने को मिल रहे हैं ये सारे इन्हीं से रिलेटेड हैं, इसलिए यहाँ पर आपको समझ में आ रहा कि अकबर का दरबारी कवि कौन था। तो आप क्योंकि रहीमदास जी के बारे में बात करें सिंपल से आप जान जाएंगे रहीमदास जी हो सकते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम होंगे आपके, जब पेपर आएगा आपके सामने, वहाँ पर रैंडमली क्वेश्चन आएंगे, कुछ रहीमदास, कुछ कबीरदास, कुछ तुलसीदास, ऐसे ही आएंगे क्वेश्चन, तो उसमें कन्फ्यूजन हो सकती है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है कि श्रृंगार सोठा किसकी कृति है? तो कबीरदास, रहीमदास, तुलसीदास, केशवदास। ठीक है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, रहीमदास। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे फोकस करिएगा, हो सकता है कि आपके एग्जाम में वहाँ पर ये क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, एग्जाम में तो आप लोग कन्फ्यूज जाएंगे कि कबीरदास जी का है कि रहीमदास जी का है, तुलसीदास का है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन और रट लीजिएगा। ठीक है, माइंड में सेट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कौन है? क्या रहीमदास जी का जन्म किस सन में हुआ था? ऑप्शन आपको मिल जाएंगे 1607, 1780 और 1800 और अगला ऑप्शन है 1556। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो रहीमदास जी का जन्म है वो हुआ था 1556 में। इनके भी जन्म के बहुत सारे मतभेद हैं, कुछ लोग इनका जन्म किस सन में मानते हैं, कुछ किस सन में मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो रिसर्च में मुझे मिला वो 1556 है, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर हम सिलेक्ट करेंगे 1556 में रहीमदास जी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रहीमदास जी किसके लिए अधिक प्रसिद्ध थे? नंबर एक दान देने के लिए, पूजा करने के लिए, सत्य बोलने के लिए, उपरोक्त में से सभी। तो जो रहीमदास जी थे वो सबसे अधिक जो प्रसिद्ध थे वो थे दान देने के लिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा गया तो ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि रहीम सत्सई किसकी कृति है? नंबर एक दुलाहा, रहीमदास, देव, सेनापति। तो जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रहीम सत्सई जो कृति है वो है रहीमदास जी की, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि निम्न में से रहीमदास जी किस काल के कवि माने जाते हैं? रहीमदास जी किस काल के कवि माने जाते हैं? यहाँ पर मैंने कवि नहीं लिखा, टाइप करने में थोड़ा मिस हो गया, तो आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, आपसे मिल जाएगा वर्तमान काल, आदिकाल, रेतकाल, भक्तिकाल। तो रहीमदास जी जो हैं वो भक्तिकाल के कवि माने जाते हैं या फिर माने जाते थे, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में रहीम का पूरा नाम क्या है या फिर क्या था, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। तो आपसे मिल जाएंगे गुलजार, अब्दुल रहीम, खान खाना, जगमोहन, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है तो ध्यान दीजिएगा इस पर। तो रहीमदास जी का जो पूरा नाम था वो था अब्दुल रहीम खान खाना, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से रहीम के मित्र कौन थे? ऑप्शन आपको मिल जाएंगे केशवदास, कबीरदास, जायसी और अगला ऑप्शन है तुलसीदास। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा नंबर डी। ठीक है, निम्नलिखित में से जो रहीमदास जी के मित्र थे वो तुलसीदास थे, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रहीमदास जी किस प्रकार के कवि थे? नंबर एक बोध परक, ज्ञान परक, काव्य परक, नीत परक। तो निम्नलिखित में से जो रहीमदास जी कवि थे वो थे नीत परक कवि, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लिखा है कि इनमें से नगर शोभा किसकी रचना है? ऑप्शन मिल जाएंगे घनानंद, पद्माकर, तुलसी और रहीम। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि इनमें से जो नगर शोभा है वो है रहीमदास जी की, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रहीमदास को खान खाना की उपाधि किसने दी? नंबर एक शाहजहां, आलम, अकबर, बीरबल। तो जो रहीमदास जी को जो खान खाना की उपाधि मिली है वो अकबर जी के द्वारा मिली, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है कि रहीमदास जी को खान खाना की उपाधि किसने दी है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अकबर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से रहीम के पिता कौन से शाहनशाह के संरक्षक थे। ऑप्शन मिल जाएगा बाबर, शेरशाह सूरी, शाहजहां, अकबर। तो इनमें से जो रहीम दाफ जी थे वो शहनशाह के रक्षक थे, उनका नाम था शाहजहां, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ओके, अगला क्वेश्चन है कि रहीम दाफ जी की कौन सी योग्यता से प्रभावित होकर अकबर ने उन्हें नौ रत्नों में स्थान दिया था। तो क्वेश्चन का ऑप्शन मिल जाएगा आप लोगों को, तुलना, सोचने की, ज्ञान की, तर्क की, किस चीज़ से प्रभावित हुए थे तो उनको नौ रत्नों में स्थान दिया था। तो रहीम दास जी की कौन सी योग्यता प्रभावित होकर अकबर ने उन्हें नौ रत्नों में स्थान दिया था, वो था ज्ञान। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपते रहत भुजंग। ठीक है, लपटे राहत भुजंग, ये पंक्ति किसकी है। आई होप आप सभी को मालूम होगा कि सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर है रहीम दाव जी की। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ओके, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में रहीम की कौन सी कृति अप्राप्य है। अप्राप्य है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन मिल जाएंगे 12वें, मदनाष्टक और संघासोठा रास पंचाध्यायी। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से जो अप्राप्य, ठीक है, कृति है वो रास पंचाध्यायी की है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि रहीमदास किससे प्रभावित होकर साहित्य की ओर झुके थे। नंबर एक, पिता, बहन, भाई, पुत्र। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रहीमदास जी अपने पिताजी से प्रभावित होकर साहित्य की ओर झुके थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हिंदी काव्य जगत में 12वें छंद का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन आपको मिल जाएंगे आपके सामने हैं, रहीमदास, तुलसीदास, पद्माकर, बिहारी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रहीमदास जी। ठीक है, हिंदी काव्य जगत में 12वें छंद का जो जनक है वो रहीमदास जी को माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है रहीमदास जी के पिताजी के गुजरने के बाद किसने रहीम की शिक्षा दीक्षा का पूरा दायित्व अपने ऊपर लिया था। अकबर, हुमायूं, बाबर, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, अकबर। ओके, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया तो ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है कि किस कारण से रहीम दाव जी का जीवन कष्टकारी हुआ था। नंबर एक, अंधेपन के कारण, बीमार होने के कारण, विकलांग होने के कारण, अगला ऑप्शन है नज़रबंद होने के कारण। तो रहीम दाव जी के जो जीवन है वो कष्टकारी हुआ था नज़रबंद होने के कारण, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रहीम दाव जी का तादात्म्य भाषा और भाव दोनों की दृष्टि से किससे अधिक मिलता जुलता था। तो ऑप्शन मिल जाएंगे गिरिराज से, जायसी से, तुलसीदास से, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास जी से मिलता था, इसलिए राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रहीम दास जी का देहांत या फिर निधन कब हुआ था। ऑप्शन मिल जाएंगे 1870, 1670, 1630 और 1627। तो जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रहीमदास जी का जो देहांत या फिर निधन हुआ था 1627 ईस्वी में, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, तो दोस्तों ये रही रहीमदास जी से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कई बार प्रीवियस ईयरों में पूछे गए हैं और इम्पॉर्टेंट है आप सभी के आने वाले एग्जाम के लिए। तो ये सारे क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ के जाते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार तो यार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन, कोई सुझाव तो बेशक कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको किसी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर चाहिए तो आप बेशक बताइएगा। यही सारी इन्फॉर्मेशन है सभी स्टूडेंट के लिए। अगर आपके कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है, अगर किसी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर चाहिए तो ज़रूर आप लोग बताइएगा। और खास बात ये है आप सभी का, खास बात आप सभी के लिए ये है कि आप सभी के एग्जाम कब से होंगे, कब से नहीं होंगे, ये सारे क्वेश्चन अगर आप हमसे पूछते हैं तो इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बना के आप तक प्रोवाइड कर दूंगा, आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के छात्र हो। तो ये रही आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट सूचना। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।